ticket, which is basically explains the whole 30,000 rule. So yeah, so now that you've understood what the 30,000 rule or BSR rule is, uh, the profit potential with this rule will bring you towards earning 3000 for uh, th uh, around $3,000 for paperback and around $1,500 for ebook. So yeah, Abhi, I'm going to going to go into detail with this and with the, uh, which will in time answer all of your questions. So yeah. वट वी मीन ओवर इज के आज आप ये सोचते हो मैंटेजी के ऊपर गुड चंक ऑफ मनी थ्रू कैंडल यू शुड अर्न यू शुड एम टूवर्ड्स वर्ड्स थर्टी थाउजेंड रूल ठीक है कि मैं uh, एक ऐसी कैटेगरी में जाऊं जहा पे कोई ऐसे कीवर्ड के ऊपर जाऊं या ऐसी कैटेगरी या नीच के ऊपर जाऊं कि जब मैं उसके मेन सर्विंग कीवर्ड के ऊपर सर्च करता हूं जाके बुक्स पे तो उसके फर्स्ट फोर या फर्स्ट सिक्स का जो एवरेज बी निकलेगा उस पर्टिकुलर की के ऊपर एंड एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द कीवर्ड जिसपे वो बुक रैंक रैंक हुई हुई है बिकॉज दे आर लॉट ऑफ की वर्ड्स जिसपे आप ऑटोमेटिकली स्टेम हो जाते हो आई एम टॉकिंग अबाउट योर मेन सर्विंग की वर्ड लेपोज अगर मैं जनरली एक बात बोलता हूँ इट्स एनजाइटी जस्ट या इट्स स्ट्रेस तो अगर आपका मेन सर्विंग कीवर्ड स्ट्रेस है एंड यू नो कि आपने स्पेसिफिकली उस कीवर्ड पर रैंक होने के लिए बुक लिखी है तो जो फर्स्ट फर्स्ट फोर रैंक्स का जो एवरेज बीएसआर निकलना चाहिए शुड बी सम वॉट अराउंड थर्टी थाउजेंड एंड इस पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कोई ये ऐसी चीज नहीं है कि नहीं बस थर्टी थाउजेंड से थोड़ा भी ऊपर ना हो थोड़ा सा भी नीचे नहीं आओ कैन बी बिटवीन इट कैन बी अराउंड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सही है इन फ्यूचर सेमूर भाई बात कर रहे हो या जब हम तीनों मिलकर बात कर रहे हो दैट वी समाइम्स रेफरेंस इस चीज का यूज करें ट्वेंटी फाइव थाउजेंड या ट्वेंटी थाउजेंड का लेकिन um, ये बस आप लोग ने अभी फिलहाल अभी इतना याद रखें कि थर्टी थाउजेंड रूल को एम करने का जो मेन हम लोग ने रखा था ना वो ये था कि इफ यू आर इन दैट दिस स्वीट स्पॉट यू कैन स्टार्ट अर्निंग अराउंड थ्री थाउजेंड टू फिफ्टीन हंड्रेड ई बुक के लिए फिफ्टीन हंड्रेड है लेकिन पेपर बैग के लिए एंड कीप दिस इन माइंड के तैमूर भाई और um, हम लोग के पास ज्यादा एक्सपर्टीज जो है वो पेपर बैग से रिलेटेड है एंड विच इज वाई आप लोग को जो है ना uh, इससे रिलेटेड ज़्यादा स्ट्रेटजीज़ बता रहे होंगे लॉन्चिंग एंड रैंकिंग की सो विथ पेपर बैक इट मीन्स दैट यूर अप्रोक्स यूर एमिंग टूवर्ड्स ऑलमोस्ट एक सेकंड लेट मी चेंज दैट दैटेट फाइव टू टेन डेली सेल्स टू स्टार्ट ऑफ़ गुड स्टार्टिंग पॉइंट सो थर्टी थाउजेंड रूल मैंने देन अगेन अभी अपने सेशन के स्टार्ट में आप लोग को एक बात मेंशन कर दी थी एक मिनट रुकिएगा जरा मैं शेट भी साथ में खोल लू थर्टी थाउजेंड जो वो है इज इट अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट और नॉट इस पे बात कर लेते हैं सो इफ यू आर गोइंग विद द अप्रोच ऑफ बंबू और हाइपर लॉन्च देन यस इट इज अ गुड अप्रोच यू कैन एम टू दैट and it consumes very less time because uh, basically uh, you are you're on adrenaline and you're do, uh, you do you uh, doing um, giveaways you you getting yourself uh, ranked um, because you know what's. you don't know the exact back, uh, back end algorithm but you know how things work when it comes down to ranking but if you are going with a more steady and stable approach which I call it, or we can call it a ladder launch. Say yeah, then no, which is less risky. Um, Almost few months back, I did share this the estimated sales, and these are just estimation estimations. So you don't have to get yourself too locked on these figures. Okay, how much is uh, how much are you going to sell if you have a given BSR, and this is then again estimations. Okay.

The next thing is 30,000 rule is basically where you want to be. If you're going with bamboo or hyper launch, that is fine. You can directly jump onto it. Um, if you want to go with something more, um, you, you don't have any problem with slow and steady approach, a more stable approach, then this is something that we have come up with. यू कैन गो विथ किंडल एज वेल विथ दिस वन और पेपर बैग बट यस ये अप्रोच जो है ये किंडल के लिए थोड़ी ज्यादा इंक्लाइंड है इसका मतलब ये नहीं है कि ये पेपर बैग के लिए फेल है आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु आर डूइंग द सेम काइंड ऑफ लॉन्च फॉर पेपर बैग एज वेल एंड देर सक्सेसफुल हाउ एवर आई नो मोर पीपल एंड माई नेटवर्क हु हैव गिवन अवे दिस स्ट्रेटेजी विथ किंडल एंड हैव

कैटेगरी और कीवर्ड मेन सर्विंग की वर्ड जिसपे आपके सर्च रिजल्ट मोर देन हंड्रेड थाउजेंड है इट बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट यूर सेल्फ रैंकड इन सी ऑफ बुक्स और कॉम्पिटिशन जहां पर पहली आई वुडेंट कॉल सैचुरेशन बट पहली इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन है आप लोग के लिए ठीक है तो देन अगेन में लॉन्चिंग स्ट्रेटजीज कंपेर नहीं कर रहा है एग्जैक्टली बट इफ यू नॉट गोइंग विद बंबू और हाइपर लॉन्च दिस इज अच मोर से हाउ यू सपोज टू गो विजैक्टली आपके स्टेप्स uh, होने क्या चाहिए तो एट द टॉप ऑफ योर फन आपके पास हेल्थ है जिसमें आपने बुक लॉन्च करनी है बट आई यू सपोज टू गो विध इट यहाँ पे बुक लॉन्च करनी भी चाहिए लेवल वन पे या नहीं सो इट कम्स डाउन टू के नहीं अभी होल्ड दैट थॉट राइटर एंड मोर सब नीशेस विच आर लेट ए विच सर्व हेल्थ नेक्स्ट कीवर्ड जो हम बोल सकते हैं लेवल टू पे इज मोर

अब स्ट्रैटेजी बोलती क्या है मैं आपको बताता हूँ यह मजीद मैंने अपनी नेक्स्ट स्लाइड में भी और ज्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है यह स्ट्रेटेजी बोलती है यू हैव टू कीप एन आई ऑन फ्यू थिंग्स ओवर हियर ठीक है वेरी की कुछ चीजों को आप लोग ने एनालाइज करना होगा वो क्या क्या चीजें हैं आपकी सर्च रिजल्ट है आपके एवरेज नंबर ऑफ रिव्यूज हैं आपके एवरेज बी एस आर है ऑन टॉप फोर टू सिक्स कैटेगरी सॉरी फोर टू सिक्स सर्च रिजल्ट ऑन अ गिवन की ठीक है और आपका एवरेज मंथली अर्निंग पोटेंशियल है ठीक है सो इन चीजों को आप लोग ने एनालाइज करना है अब आ जाते हैं इस चीज के ऊपर कि um, हम लोग ने एक ये पूरी एक शीट तैयार करी है एंड uh, तौसीफ वकास एंड ऑल अदर्स जो कि एनरोल हुए हुए हमारे ईसी के उस प्रोग्राम में ठीक है आई जस्ट वांट यू गाइस टू हैव अ गुड लुक टेक दिस एज एन एग्जांपल बिकॉज मी ताह इन असद हैव पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट पुटिंग ऑल दिस की वर्ड्स इन प्लेस फॉर यू गाइज जस्ट सो दैट यू गाइज नो एग्जैक्टली के हाउ यू गाइज कैन गो अबाउट विद दिस स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी ठीक है एक मिनट रुकी शेख मोहम्मद अदील आई वुड से के असल में दिस सेशन वाज एक सेकंड से शेख मोहम्मद अदील को रिप्लाई करूं अभी um, sure I can. Um, so, अदील एक्चुअली हम लोग को ये सेशन कंटिन्यू करना था वट वी कैन डू इज वी कैन पुट अप मोर सेशन इन फ्यूचर जिसमें आपको स्क्रैच से लेके चलें ठीक है um, लेकिन अभी ये सेशन वॉज बेसिकली अ पार्ट ऑफ एन अदर ऑफ द प्रीवियस सेशन दट वी वर सपोज टू डू तो इस वजह से मैं अभी ये कह रहा हूं ठीक है सो इफ यू गो बैक टू माई स्लाइड यूल हम लोगों ने पांच लेवल्स यहाँ पे दिए हुए हैं पांच लेवल्स ये क्यों दिए हुए हैं बिकॉज वॉट दिस स्ट्रैटेजी इन टेल्स इज के आप लोग ने पहले चार से पांच बुक्स लॉन्च करनी है नॉट एक साथ नहीं एक, एक करके लेवल फाइव की कैटेगरी में फिर आपने लेवल uh, फाइव पर और फिर आपने तीन से चार बुक्स लॉन्च करनी है लेवल फोर बिगेस्ट बुक जिसमें आपने सोचा हुआ था जो मैं बोल रहा हूं एक अपनी सोच रखी हुई थी ऑब्जेक्टिव रखा हुआ था कि आई विल अल्टीमेटली लॉन्च अ बुक इन अ कैटेगरी विद हैज अटेगरी हंड्रेड थाउजेंड सर्च रिजल्ट लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन बट बिफोर यू जम्प ऑन टू दिस यू नो दिस फॉर अ फैक्ट कि इफ यू लॉन्चिंग योर बुक इन अ इन इनर इनर एरिया जिसमें आपके पास 100000 या 50000 या 40000 प्लस सर्च रिजल्ट्स हैं यू नो दिस फॉर अ फैक्ट के वहां पे जो ऑथर्स बैठे हुए हैं <clears throat> उनकी एक बड़ी से है वो बुक्स बहुत पुरानी बहुत अरसे से वहां पे रैंक हुई हुई हैं ठीक है लेट्स सपोज अगर मैं हेल्थ एंड वेलनेस की बात करता हूं या चलिए हेल्थ की अगर बात कर लेते हैं सिर्फ फॉर नाउ ठीक है

रिव्यूज जो कि एक्सेप्शन है उस पर्टिकुलर कैटेगरी में मैं चाहूंगा कि आप लोग एक uh, एक एक पिक्चर लें उसमें एवरेज नंबर ऑफ रिव्यूज उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे कितने आए हुए हैं जैसे यहाँ पे आप देख सकते चार सौ छह सौ अप एक तकरीबन डेढ़ हजार ढाई सौ दो हजार दो हजार दो सौ अप्रोक्सीमेटली और 2012 से ये बुक बैठी हुई है 2011 से ये बुक बैठी हुई है तो वट आई एम ट्राइंग टू सेवर हेयर ये दो हज़ार बीस से बैठी हुई है ये रिसेंट लॉन्च है कि इससे पहले आप किसी ऐसे कैटेगरी में या ऐसी ऐसी नीच में अपनी बुक को लॉन्च करें जहाँ पे आपको अपने आप को रैंक भी करना मुश्किल हो कोई पुराने लोग बैठे हुए हों उनको उनसे ऊपर आना मुश्किल हो ठीक है आप सबसे पहले गेट योर सेल्फ रैंकड इन एरियाज और अपनी से बनाओ अपने ऑथर की से बनाओ ज जहां पे कॉम्पिटिशन कम है एंड दिस इज दिस ब्रिंग यू अ मोर ऑफ अलफेक्ट जिसकी वजह से आप अपने आपको अपनी फ्यूचर बुक्स को रैंक करना आसान होगा यू नो दिस फॉर फैक्ट कि अगर एक ऑथर मशहूर होता है फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर आज एक बुक लॉन्च करी एंड वो सक्सेसफुली अच्छी चली जाती है और मैं उसी नीच से रिलेटेड एक और बुक लॉन्च करता हूँ

जहां पे यू गाइस विल बी लॉन्चिंग फोर टू फाइव बुक्स फोर जहां पे आप लोग अपनी तीन से चार बुक्स और लॉन्च करोगे एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली यू क्लाइंब अप दैटर ऑल द लेवल वन जहाँ पे आप लोग ने अपनी अल्टीमेट बुक लॉन्च करनी है ठीक है सो दिस विल ब्रिंक डाउन अ ट्रिकल डाउन इमोट पीपल जिन्होंने आपकी योगा पोजेस बुक ली भी है खरीदी भी है पसंद करेंगे वो आपकी योगा पोजिस जरूर A lot of people who loved yoga poses will obviously go and buy your yoga books. Uh, either brand loyalty or customer loyalty will go towards health and wellness and similarly go towards health. I'll talk more into detail about this. If you look at this sheet, this sheet is prepared by uh, three of us uh, me, Taha, and Asad. हम लोग ने इसके रूल्स ये रखे हुए हैं कि अगर आप यहां पे भी देखें यहां पे मैंने सर्च रिजल्ट्स का नहीं दिया वो ऑप्शन लेकिन यहां पे मैंने दिया दियास ये है लेस देन फोर थाउजेंड है लेस देन सेवन थाउजेंड है लेस देन टेन थाउजेंड है मोर देन टेन थाउजेंड है एंड मोर देन टेन थाउजेंड मतलब हंड्रेड थाउजेंड तक जाता है आपका सर्च रिजल्ट हंड्रेड थाउजेंड से ऊपर दिखाता भी नहीं है आई मीन जस्ट से मोर देन हंड्रेड थाउजेंड सो इट कैन कैन बी हंड फिफ्टी थाउजेंड टू हंड्रेड थाउजेंड वट एवर इज ठीक है तो फिटनेस की अभी मैं बात कर रहा था तो फिटनेस पे लेट्स लेट्स टिक विद फिटनेस ऑफ़ वेट लॉस फॉर नाउ वगैरह आप जाते हो तो आपको कंपटीशन बहुत मिलेगा और सर्च उसमें मतलब आपसे कंपीटिंग प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा होंगे सो व्हाट वी डू इज वी स्टार्ट डिगिंग इन एंड स्टार्ट हंटिंग मोर हेल्थ एंड वेट लॉस तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये वो कैटेगरीज हैं जो हम लोग को मिली हु हैव लेस देन वन थाउजेंड सर्च रिजल्ट एंड इसमें मैं कुछ आप लोग को एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ ताकि आप लोग को और ज्यादा क्लैरिटी मिले कि क्यों मैं ये बोल रहा हूं जैसे अभी मैंने आप लोग को योगा की कैटेगरी दिखाई और आप लोग ने ये बहुत क्लियरली देखा कि योगा में आप लोग के पास जो टॉप थ्री फोर या सिक्स बैठे हुए हैं उन सबके रिव्यूज दो हजार एक हजार डेढ़ हजार से कम है ही नहीं सो आई मीन इट्स ऑब्वियस इट कम्स ऑब्वियस फॉर यू गाइज क्या या तो आप लोग को बंबू लॉन्च हाइपर लॉन्च के साथ जाना है और यू हैव टू गेट क्लोज टू दो ठीक है मतलब मैक्सिमम थ्रेश अगर ढाई हजार की है तो मिनिमम थ्रेश भी एवरेज अगर निकाल लें तो ढाई सौ की है तो यू हैव टू गो विद एटलीस्ट विध एटलीस्टो चार सौ बी देयर एटलीस्ट टू स्टार्ट स्कोरिंग सम सेल्स नाउ विद दिस काइंड ऑफ अप्रोच यूर गोइंग विद कीप इन माइंड लेस देन वन थाउजेंड रिजल्ट एंड यहां पर हम लोग ने सारे डिफरेंट की वर्ड लेके आए हुए हम लोग जो विच

चेयर योग बट to आई बिलीव इज योगा तो चेयर योगा में थोड़े से हट के भी नॉर्मल लोगों के लिए ये कैटेगरी आ जाती है सो योगा फॉर सीनियर्स एवरेज नंबर ऑफ आप वो देख लो टॉप जो लोग बैठे हुए हैं इस कीवर्ड्स के ऊपर कितने कीवर्ड्स को उधर आप कहाँ पे बैठे हुए थे मतलब योगा पे आप कि जो टॉप थ्री फोर जो बहुत थे रिव्यूज uh, थे वो पहले से आपके कोई दो हजार डेढ़ हजार के साथ चल रहे थे यहां पे आपके स्टार्ट ही ट्वेंटी थ्री के साथ स्टार्ट हुआ आई नो दिस फॉर अ फैक्ट आई डू हंड्रेड परसेंट अग्री कि यहां पे आपका अर्निंग पोटेंशियल कम हो जाता है विच इज वाई यू आर ऑल्सो लॉन्चिंग फोर टू फाइव बुक्स नॉट टूगेदर बट वन एट अ टाइम एक के बाद एक आप अपनी कस्टमर बेस भी बना रहे हो ठीक है

कुछ जगह पे बिल्कुल सही दिखा रहा होता है कुछ जगहों पे 30 जगहेंट थोड़ा कम दिखा रहा होता है तो लेट्स से कि थर्टी परसेंट कम भी दिखा रहा है सो यू नो के एवरेज मंथली रेवेन्यू आपका इस पर्टिकुलर बुक के लिए और जो अगर आप लोग इस पूरी पुल नहीं अगर आप लोग एक्सपोर्ट भी करते हो इस पूरी कैटेगरी तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कैटेगरी आपको ऑन एन एवरेज कितना इनकम दे रही है आई वुड से जहां पे लिखा हुआ है ट्वेंटी थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड रेवेन्यू इनको इग्नोर कर दो योगा आफ्टर इवन दो कि ये बिल्कुल uh, um, ये कीवर्ड भी एक सर्विंग कीवर्ड है इसका मेन सर्विंग कीवर्ड्स में से एक है लेकिन अगर आप इस वाली कट इस पर्टिकुलर फिगर को इग्नोर कर दो ट्वेंटी टू थाउजेंड वाली तो आई वुड से दिस टॉप सिक्स में यू हैव यू इजली हैव अर्निंग पोटेंशियल ऑफ अराउंड सिक्स हंड्रेड सेवन हंड्रेड और एट हंड्रेड डॉलर ठीक है Which also mean आपने अपना पैसा इतना इंजेक्ट नहीं करना इन कैटेगरीज में रैंक होने के लिए ठीक है आई एम जस्ट टेलिंग यू समे एजुकेटिंग यू समे जिसके थ्रू आप और मजीद हंटिंग की तरफ जा सकते हो एंड यू कैन एक्चुअली प्लेस योर सेल्फ ठीक है मेरे पास इतना रिस्क इन्वॉल्व नहीं है इस स्ट्रैटेजी के साथ ठीक है देन वी हैव योगा फॉर डिप्रेशन और योगा फॉर कैंसर पेशेंट्स

All I'm saying is ki, this is a strategy where you can diversify your investment in different areas. Okay. If you're too reluctant that you because there are a lot of people, mm -hmm. uh inquiry IKC, I don't mind investing $8,000, $12,000 in one go. But all I'm saying is that I'm way too reluctant to invest all of that money in one go on just one particular product. So what I'm telling you here is if you're way too reluctant, what you can do is. कि आप अपनी वही इन्वेस्टमेंट पांच या चार बुक्स में डायवर्सिफाई करो राइट इट इज हाईली एटलीस्ट पांच में से टू और थ्री गेट्स रैंक एंड देन वो आपको आपका पैसा वापस देगा एंड देन वो आप वापस रोलिंग में लगाओ एंड लेवल फोर गो विद लेवल टू देन गो में आपने बुक सेलेक्ट करनी है विच हैन थाउजेंड

तो ये हमने आके सर्च करा एंड बूम यू गो देउजेंड सर्च रिजल्ट यहां पे आपको एवरेज नंबर ऑफ रिव्यूज भी बड़े नजर आएंगे सी यू कैन कनेक्ट द डॉट्स ओवर हियर आपको एक्चुअली लगेगा कि दिस इज अ सॉलिड प्लान फॉर अ लैडर अप्रोच दिस इज समथिंग जो आप लोग को एक्चुअली अंदर से फील आएगी कि नहीं दिस साउंड मच मोर रियलिस्टिक सही है वन थर्टी एट थ्री हंड्रेड एंड फोर्टी थ्री सिक्सटी एट वन हंड्रेड एंड सो एंड सो फोर्थ राइट and then once you climb that ladder up, you will see more competition coming towards you. but thoda sa because you have some follower base, you have some customer base which is following you since the, since, the, since your very first book was launched, right? सी, आई आई एम एम नॉट, नॉट ये मैं तलाल को रिप्लाई कर रहा हूँ बिकॉज तलाल हैज अ वैलिड पॉइंट बिल्कुल आई एम नॉट विद के आपने बिग बोटी के साथ नहीं जाना मैं आप लोग से इससे नहीं कर मैं आप लोग को एक दूसरी साइट की इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ फॉर पीपल द लॉट ऑफ बी स्टूडेंट्स हु कम टू मी एंड मोतशम कादरी वुड अग्री विद मी इनफैक्ट मेरी जो अपनी पिछली जो पीएम की टीम थी जो आई थिंक साल के शुरू में बनी थी उसमें दो तीन ऐसे स्टूडेंट्स हैं हु डू नॉट है एंड दे वॉन्टेड मोर सेफ स्ट्रैटेजी टू गो विद यू वॉन्ट बिग बोटी आई वुड सजेस्ट यू टू गो विथ हाइपर बंबू लॉन्च गो विद डायरेक्टली गो विदेन 10,000 प्लस कैटेगरी नो हार मिनट मैं आप लोगों को ये मना नहीं कर रहा कि don't go गो विध टेन थाउजेंड प्लस कैटेगरी गो विद गो विद बिग बोटी दिस प्रोज एंड कॉन्स फॉर इच साइड राइट मैं ड्रॉप शिपिंग पढ़ा रहा हूँ मैं अमेजोन एसोसिएट्स भी बता रहा हूँ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की मैंने दो स्ट्रेटेजी शेयर करी है जिसमें एक है सेल्फ सर्विंग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जिसमें होती है जिसमें यू हैव टू अपटेंड विद इंफ्लुएंस और प्लेटफॉर्म्स जिनकी आपने पहले बेसिक फीस सिर्फ पांच सौ से हजार डॉलर की देनी है ताकि यू कैन स्टार्ट वर्किंग विद इन्फ्लुएंस एंड इज अजट नॉट आई वु बजट स्ट्रैटेजी मोर लाइक इकोमिकल स्ट्रैटेजी जिसमें यू डोंट है आप उनको और बाय द वे जस्ट सो दैट यू नो जब आप प्लेटफॉर्म पे के थ्रू जा रहे होते हैं मार्केटिंग के लिए तो यू हैव टू पे दैट प्लेटफॉर्म एंड देन वो जो फी एसोसिएटेड विद दो कुछ, है, है. कुछ प्लेटफॉर्म का नहीं होता बट देखी वो, वो जो आप इन्फ्लु हो, भी थोड़ी सी बड़ी भी होती है नॉर्मली अगर आप मैनुअली जाके उसी इन्फ्लुस से बात करो ना तो आपको एक बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल रेट्स देता है एनी हाउ सो दैट बींग सेड आई होप आप लोग को इसकी एक क्लियर पिक्चर आ गई होगी समझ में, ठीक है? Uh, sure, sure काफी लोग जो इस सेशन को अभी देख रहे हैं, मैं आपको ये भी बता दू जस्ट सो दैट यू गाइज नो बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग किंडल में नहीं आए उसका रीजन क्या है बिकॉज उनको वही इन्वेस्टमेंट वाली एक चीज जो चीज थी ना इट वॉज होल्डिंग दम बैक आई बी

अगर आप पढ़े यहां पर कंज्यूम्स वेरी लेस टाइम बंबू इन हार्पर लॉन्च के साथ बट लेडर लॉन्च नो आई इग्नोर द नो लेस रिस्की इट्स जस्ट लेस रिस्की बिकॉज यू डाइवर्सिफाइन योर सेल्फ इन डिफरेंट प्रोडक्ट ठीक है एंड देन अगेन आपकी एक बुक के साथ लेडर लॉन्च में अगर आप एक बुक लॉन्च कर रहे हो आपकी डेढ़ से ढाई डॉलर तक की इन्वेस्टमेंट लगती है दो हजार डॉलर की लगती है हजार डॉलर की लगती है की लगती है, यू नो कि चलो ठीक माई नेक्स्ट बुक इज इन लाइन अब मैं उसके साथ जाऊंगा so so एक बुक भी लॉन्च होती है तो आपको वो ढाई सो से लेके आठ सौ डॉलर वापस दे रही है पर मंथ अब नाउ योर देयर यू नो दिस ऑर्गेनिकली किसी बुक की या इवन गूगल सर्च रिजल्ट्स एमेजॉन सर्च रिजल्ट्स पे अगर आप ऑर्गेनिकली किसी जगह पे रैंक हो जाते हो आपको हिलाना इतना आसान नहीं होता यू आर देयर फॉर गुड थ्री मंथ्स फाइव मंथ्स आप थोड़ा बहुत उसी पेज पे फ्लक्चुएट करोगे बैक एंड फोर्थ लेकिन यूर देयर यूर नाउ स्कोरिंग योर सेल्स नाउ नाउ यू नो कि आप उसी पैसे को रोलिंग में लगा के वापस यू कैन कम बैक इन द गेम एंड स्टार्ट लॉन्चिंग योर न्यू बुक्स सही सो दिस इज वॉट दैटेजी इज अबाउट सो so, सो um, so, आखिरी बार मैं इसको समप कर देता हूं एंड देन ताहा कैन टॉक टू यू अबाउट कि आप लोग ने एग्जैक्टली ब्रेन स्टार्मिंग करनी कैसी है हाउ यू कैन कम अप विद दिस होल शीट आइडिया आप लोग को किस तरह करना है एवरेज बी एस आर भी आप लोग ने बाद में अपना लिखना है अपने होमवर्क या आप लोग का खुद का होमवर्क है आप लोग ने अपना एवरेज बी एस आर भी डालना है एवरेज बी एस आर ट्वेंटी भी डालना है सही है रिजल्ट काउंट भी डालना है इनफैक्ट मैं ये बोलूंगा कि एक और इसमें आप लोग एक ऐड कर सकते हो कॉलम uh, जो होगा, एवरेज नंबर ऑफ रिव्यूज जो है उस पर्टिकुलर कीवर्ड uh, के ऊपर वो क्या चल रहे हैं सही है सो so, दैट that. एक मिनट रुकिएगा। श्योर एल शेयर द लाइट श्योर मुकसिम आई वुड लव टू टेक योर प्रोडक्ट आइडियाज ठीक है एंड मैंने यही सारी रिसर्च मैंने असल में मैंने करा क्यों मैं बताता हूँ, मुझे ये कोई मुझे फन नहीं आ रहा था कि मैं बैठ के यकीन करें ये तीन चार घंटे का सुकून से बैठ के करने वाला काम था बिकॉज एंड आई वुड लव टू थैंक असद एनताहा ओवर एंड ओवर अगैन बिकॉज दे हैव ट अ लॉट ऑफ टाइम आउट टू डू दिस विद मी बिकॉज इसमें एक क्लियर पिक्चर खींच के देनी थी आप लोग को ठीक है ये हाईलाइट करने का मकसद ये था कि सिर्फ ये इस, इसको हाईलाइट करने का सिर्फ मकसद ये था कि हम मैं आप लोग को येक्टेड कीवर्ड select, को सेलेक्ट करके बता सकूं अच्छा एक चीज करना भूल गया बताना भूल गया मैं उसका भी मैं आप लोग को एक डिस्कलेमर दे दूँ ऐसा कोई बड़ा डिस्कलेमर नहीं है लेकिन फिर भी बता दू मैं बात करूं सर्विंग कीवर्ड की नाउ योगा फॉर सीनियर्स मैंने आप लोग को एक क्लियर पिक्चर दे दी योगा फॉर सीनियर्स एक मेन की है किसी भी बुक एक मतलब फॉर पीपल फॉर सीनियर सिटीजन जो कि योगा करना चाहते हैं मेन सर्विंग की वर्ड इसका यही है योगा फॉर डिप्रेशन का मेन सर्विंग की वर्ड जो है वो योगा फॉर डिप्रेशन सिर्फ नहीं है और भी मेन सर्विंग की वर्ड है इसके ऊपर हम लोगों ने काफी जैसे रिसर्च करी तो हमें पता चला कि यार थाउजेंड टू टू थाउजें थ्री थाउजेंड वाले की वर्ड ही आ रहे हैं योग फॉर सीनियर्स के लिए डिफरेंट सर्विंग की योगा फॉर डिप्रेशन के लिए जैसे मैं बात कर लूं तो यहां पे ये जो ब्लू वाले हाईलाइट हुए हैं ना ये मैं आपको बताना चाहता हूं योगा फॉर डिप्रेशन एंड यू नो दिस कि ये मेंटल हेल्थ से रिलेटेड एक इश्यू है योगा फॉर मेंटल हेल्थ योगा फॉर स्ट्रेस तीनों कनेक्टेड है सो आई वुड से हायरार्की में अगर मैं सबसे टॉप पे रखूं तो मेंटल हेल्थ को रखूंगा मेंटल हेल्थ से रिलेटेड दो आपके पास कॉमन इश्यूज आते हैं वो जो होते हैं डिप्रेशन एंड स्ट्रेस और इवन एंजाइटी ठीक है तो अब जब मैंने ये पूरा स्केच खींच दिया आप लोगों के भाई ये टॉप पे मेंटल हेल्थ है एंजाइटी डिप्रेशन और स्ट्रेस उसके चिल्ड्रन हैं चाइल्ड वो हैं ब्रांचेस हैं तो इसमें फिर डिमांड और सप्लाई पे पर बात आ जाती है तो इसपे योगा फॉर डिप्रेशन पे अभी सच काउंट हमारे पास से आ रहा है मैं अगर हूं तो प्रॉबेबली मैं इन चीजों को भी ना आपस में बहुत गौर से देखूं कि सही है मैं यहां पे ये यह सोच के कर दूं कि योगा फॉर डिप्रेशन के लिए मैं बुक लॉन्च कर दूं टर्न्स आउट को योगा फॉर डिप्रेशन मतलब आ, योगा फॉर मेंटल हेल्थ में भी एक बहुत बड़ा पार्ट एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है सही? मैं शायद दिखा सकू डिप्रेशन so जो है ना ये एक ऐसा कीवर्ड है जो कि योगा फॉर मेंटल हेल्थ में भी अपने को वो कर रहा है तो ये भी एक मेन सर्विंग की वर्ड में से एक है ठीक है मे बी स्ट्रेस सी यू गो स्ट्रेस कर रहे तो, um, 2000, uh, 2000 बैठा हुआ स्ट्रेस ठीक है सो ये भी आप लोग ने यू हैव टू कनेक्ट ऑल दीज डॉट्स के मेरे मेन सर्विंग कीवर्ड्स वर्ड्स कहां पर लाई कर रहे हैं सो यू हैव टू मेक श्योर के मतलब जो मैंने अपनी रिसर्च क्लास से बता रहा um, uh, हूँ sure uh, अगर आप बुक लॉन्च करने जा रहे हो तो आपके मेन सर्विंग की आप पहले कैटेगरी में हो अगर आप फर्स्ट स्टेप में जा रहे हो विच इज दिस अपसाइड डाउन ऊपर वाला है लेवल वन नीचे वाला है लेवल वन में अगर आप अपनी बुक लॉन्च करने जा रहे हो विच इज ग्राउंड अप You have to make sure के आपके मेन सर्विंग की वर्ड अराउंड थाउजेंड टू थाउजेंड के बीच में ही हो सही है, सो दिकॉज यू नो दिस कि जब आप यहाँ पे अपना रेवेन्यू निकाल रहे होते हो सही थ्रू के डी स्पाय तो यहाँ पे ये यह आपको जो भी हर बुक की जो बी एस आर बता रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपको उसके रेवेन्यूज दिखा रहे हैं, ये रेवेन्यूज जो है ना और ये जो बी एस आर है ये डिफरेंट की वर्ड से आ रहे हैं राइट सो यू जस्ट हैव टू मेक श्योर बैक एंड फोर्थ जाके देखो कि यार इससे रिलेटेड और कौन से कनेक्टेड की जो मेन सर्विंग की वर्ड हो सकते हैं टॉप बी एस आर फॉर टॉप सिक्स एंड टॉप ट्वेंटी मैटर्स अलॉट टॉप थ्री टू सर्विंग की वर्ड थ्री टू फाइव सर्विंग की वर्ड आपके कौन से हैं यू शुड नो दैट ऑथर

for this and they would probably get 80, 70 of the sales so no फॉर दिस एंड देखी सेवन keywords जो अथॉरिटेटिव की नेक्स्ट वन इज number of reviews बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि ठीक है यार मैं रैंक करने जा रहा हूँ अपने आप को मेरे जो टॉप सिक्स टॉप टेन प्लेयर्स हैं वो कितने रिव्यूज लेके बैठे हुए हैं उस कैटेगरी में ठीक है मेरी कुछ ऑर्गेनिक सेल्स फ्लो होना शुरू हो जाएंगी बट देन अगेन इन द लॉन्ग रन आई एम कॉम्पीटिंग विद आई कैन आई जस्ट कांट इग्नोर दम ठीक है लुक फॉर कॉमन फैक्टर्स इन कवर पेजेस बहुत सारे लोग क्या करते हैं अपने कवर पेजेस लॉन्च कर देते हैं लेकिन वो कॉमन फैक्टर नहीं देखते कि अगर योगा है लेट्स सपोज तो योगा में यूजुअली लोग किस तरह की थीम यूज कर रहे हैं क्या कलर कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं क्या चीजें यूज कर रहे हैं एज यू कैन सी सही है दे इज सम कॉमन फैक्टर्स लोग अपनी तरफ से कोई एक नई चीज लगा देते हैं कि बस एक ले सपोज दे शोइंग अ हैप्पी स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ द कवर एंड व्हाई व्हाई मतलब देयर शुड बी सम यू शुड नो आपके कॉम्पेटिटर्स ने कवर पेज क्या यूज करावा है व्हाट आर दे रिफ्लेक्टिंग थ्रू देयर कवर पेज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली एंड पीपल इजीली इग्नोर दिस ठीक है एंड टोटल पेजेस और रिजल्ट्स सो टोटल पेजेस एवरेज sure अमाउंट तो क्या चल रहा है राइट अब इसमें एवरेज अमाउंट आई कूड सी इजली टू ट्वेंटी टू फोर्टी टू फिफ्टी चल रहा है ठीक है और मैं इसमें जो है ना एक सौ पेजेस वाली बुक लेकर लॉन्च कर दूर ट मैटर्स ठीक है दैट मैटर्स एक मिनट में कुछ चेक कर रहा हूं एक्चुअली गाइस uh, आप लोग सॉरी मैं आप लोग लिंक देना भूल गया अपने क्वेश्चंस यहां डंप करते रहो ये मैं चैट पर दे रहा हूं आप लोग को प्लीज बिटली <coughs> <coughs> का लिंक दिया मैंने और अपने क्वेश्चंस प्लीज आपको यहां पे डंप कर दो अपने नाम के साथ एंड प्लीज रिमूव नहीं कीजिएगा बिकॉज ये क्वेश्चन हमें हेल्प करते हैं आगे आने वाले और सेशन को बेहतर करने में राइट टोटल पेजेस और रिजल्ट्स सो टोटल पेजेस का मैंने बता दिया एंड नंबर ऑफ रिजल्ट्स इसकी मैंने आपको सिग्निफिकेंस बता दी फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी, राइट and uh, i'll i'll ask uh, taha and uh, uh, to continue things from here but before he does just let me see if you maybe questions to entertain Kara okay the slides okay हम्म ओके सो स्लाइड का लिंक भी मैंने चैट पे पेस्ट कर रहा हूं लीजिएगा ये स्लाइड्स का लिंक है ये जाके आप लोग देख लीजिएगा There is lot of content आगे पीछे जो हुआ हुआ इग्नोर दैट आज जो मैंने सेशन करा हुआ है उसके ऊपर जरूर नजर डालिएगा ठीक है और आज का जो सेशन जो तहा और असद भी लेने वाले उसके ऊपर डालिएगा मिनट it theek hai समथिंग तहा आगे मैं कंटिन्यू ना आवाज नहीं आ रही तुम्हारी चेक कर लो एक बार हेलो हाँ, आप ठीक okay, हाँ, है जैसे कि वालेकुम मेरा नाम तहदफर है मोस्टली इसी किंडल के ऊपर हम लोग बात करेंगे आज मोज ने जैसे कि आप लोगों को एक शीट दिखाई थी पर है वो आ जैसे ये जो हमारी हम लोगों ने रिसर्च करी थी कीवर्ड्स की अब आ, इतने सारे कीवर्ड्स हम किस तरह से रिसर्च कर सकते हैं क्या तरीका है हमने क्या तरीके यूज करे मैं इस बारे में एक्सप्लेन करूंगा आपको आ, तो जो हमारा सबसे पहला मेथड था वो था सर्च प्रिडिक्टर बेसिकली ये सबको यहाँ पे मोस्टली आइडिया होगा Uh, लेकिन नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है uh, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं योगा लिखा हमने तो ये आपको सर्च प्रिडिक्शन दे रहा होता है अमेजोन सर्च प्रडिक्शन दे रहा होता है कि योगा की नीच के अंदर uh, सब नीचे कौन सी रिसर्च हुई है और सबसे ज्यादा ऑब्वियसली इसके अंदर कुछ सब निशे होंगी जो हमारी कैटेगरी से हटके होंगी जैसे कि हम आ, उन कैटेगरी में नहीं घुसना चाह रहे जैसे कि अभी मोहित ने बताया फॉर एक अथॉरिटेटिव की है हम उसके अंदर नहीं जाना चाह रहे या कलरिंग बुक पे हम नहीं काम करना चाह रहे तो ऑब्वियसली ये दो हम नहीं करेंगे इस पे लेकिन उसके अलावा जैसे योगा निद्रा हो गया हम इस पे सर्च करेंगे तो हमें मिल गया अः ये की जो कि एट है जो कि हमने यहाँ पे भी आई थिंक डाला हुआ है न, ये रहा योगा निद्रा, 800 uh, इसका keyword, uh, काम करते हैं उसके अलावा हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हम लोग जाए uh, उन बुक्स के अंदर सॉरी uh, मेरा वार्निंग तो बेसिकली हम इसकी अगर मेरा खैर नहीं भी ऑन हुआ हुआ तो हम इनकी कैटेगरी सर्च कर सकते हैं कि ये किन कैटेगरी टॉप रेट टॉप रैंक हुआ हुआ है सही है तो ये बुक बेसिकली इन तीन कैटेगरीज के अंदर इन इन इस इन तीन के अंदर टॉप रैंक हुई हुई है तो हम इन कैटेगरीज के अंदर जाके और बुक सर्च कर सकते हैं और उनके कीवर्ड्स और सर्च कर सकते हैं कि वो बुक्स और किन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक हुई हुई है जैसे कि हम इस कैटेगरी के अंदर जाते हैं तो हमारे पास ये सारी कैटेगरीज uh, आ जाती हैं अब इसमें क्या इन इस कैटेगरी के अंदर हमारी हमारी कैटेगरी से रिलेटेड बुक्स हैं नहीं है हम ये देखते हैं जैसे कि हमारे पास साइंस ऑफ योगा भी है योगा तो इट्स रिलेटेड कैटेगरी जिसके अंदर हम जा सकते हैं और उसके अंदर फिर हम और बुक्स और उसके अंदर फिर हम और कीवर्ड्स निकाल सकते हैं तो uh, एक मेथड तो हम लोग का ये हो जाता है दूसरा मेथड हम लोग का हो जाता है गूगल कीवर्ड वर्ड प्लान है बेसिकली तो हम ये जो प्लान प्लानर है बेसिकली आपको आई थिंक गूगल एट एडसेंस अकाउंट चाहिए होगा इसके लिए उसके बगैर आप नहीं कर सकते ये आप डिफरेंट वीडियोस हैं वीबीसी पे अपलोडेड उसमें आप देख सकते हैं कि आप ये किस तरह ये वैसे टूल फ्री है लेकिन इसके लिए आपको गूगल एड्स का अकाउंट चाहिए होता है बस तो एक दफा अगर आपने गूगल एट्स का अकाउंट बना लिया तो आप यहाँ पे आके अपने लिए किसी भी चीज कि, किसी भी हिसाब से रिसर्च कर सकते हैं या आप लोगों को पहले से बात पता होगी ऑब्वियसली इसके अंदर हम कंपटीशन वगैरह नहीं देखते बेसिकली हम आ, इसमें कीवर्ड आइडियाज जनरेट करना चाह रहे हो तो हमें बेसिकली ये जनरेट करना है ये एक शीट जनरेट करनी है तो हमें कीवर्ड के आइडियाज चाहिए होते हैं तो कीवर्ड के आइडियाज हम लोग यहाँ से और निकाल सकते हैं सपोज हमने यहाँ पे योगा लिखा आ, और सॉरी ये उन हाँ अब जैसे यहाँ पे ये यह, हमें बता रहा है हाथा योगा है एक आ, इस कुंडलिनी योगा है जो कि हमने आई थिंक यहाँ पे डाला हुआ भी है hmm. ये रहा फाइव थाउजेंड अः काउंट है इसका तो इस तरह से हम डिफरेंट अः uh, जैसे कि मोहित बताया से हमारे वन टू थ्री फोर फाइव तो डिफरेंट लेवल्स के अंदर हम कीवर्ड किस की तरह से सर्च करेंगे हम इसी तरह से सर्च करेंगे कि हम uh, यहाँ पर आएंगे डिफरेंट उसकी सजेशन देखेंगे हम फिर जाके कुंडलिनी अः uh, सॉरी यहाँ पर क्या था कुंडलिनी कुंडलिनी के अंदर फाइव थाउजेंड की अब एक और चीज जो आपको इंपॉर्टेंट देखनी है वो ये देखनी है कि इस वर्ड के ऊपर इस कीवर्ड के ऊपर क्या हमारे पास रिलेटेड बुक्स आ भी रही हैं कि नहीं आ रही क्या उनके कवर पेजेस जैसे ने बताया आपको देखते हैं रिलेटेड हैं उस कीवर्ड से नहीं है उनका टाइटल उनकी डिस्क्रिप्शन के अंदर वो कीवर्ड्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं क्योंकि आप फिर उस अनरिलेटेड कीवर्ड्स से आप दूर रहे तो ज्यादा बेहतर है Uh, उसके बाद हम uh, बात करते हैं uh, अच्छा कुंडलिनी का बता दिया मैंने आपको तो बेसिकली कीवर्ड प्लानर तो uh, एक इजी टूल है आप लोग को सबको पता ही के डी स्पाई वर्ड क्लाउड ये आपको और ज्यादा जनरेट करने में मदद कर सकती है आपने कोई भी बुक uh, सर्च करी या आपने कोई भी मूव कर मैं आपने कोई भी कीवर्ड सर्च किया यहाँ पे आपने के डी स्पाई ओपन किया

सब कैटेगरी सब कीवर्ड्स uh, निकाल सकते हैं और उस उसपे रिसर्च कर सकते हैं कि uh, क्या ये कीवर्ड uh, वर्ड अच्छा है या नहीं है और बेसिकली ये सारे कीवर्ड्स आप यहाँ पे लिखते जाएंगे कि इस पे क्या रिजल्ट आया इस कीवर्ड पे क्या रिजल्ट आया या उस कीवर्ड पे क्या रिजल्ट आया फिर आप एट द एंड आप उन सबको मैच करेंगे जैसे मूज ने बताया था ये जो योगा uh, डिप्रेशन है योगा फॉर मेंटल हेल्थ है और योगा फॉर स्ट्रेस है या एंगजाइटी हो गया ये सारे की किसी ना किसी तरह से आपस में एक दूसरे के साथ लिंक कर रहे हैं तो वो लिंक भी आप देख सकते हैं इसके अंदर इस तरह से नेक्स्ट uh, um, बात करते हैं आई थिंक वर्ड क्लाउड तो इजी है ये भी uh, समझ आ गया आपको हीलियम ही पे uh, action, uh, यहाँ पे मोस्टली लोगों को ये चीज ऑब्वियसली पता होगी लेकिन जिनको नहीं पता है उनके uh, उनके लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ हीलियम टैन के ऊपर uh, आप uh, मतलब सपोज कोई भी आपने अपनी इट बुक हम सपोज इसमें से योगा कुंडल लेनी सर्च करते हैं हमने इस बुक को ओपन किया यहाँ इस बुक को ओपन ना भी करते तो भी चल जाता लेकिन इसका एसन आपको आ, रिवर्स एसन बेसिकली इसका एसन आपने कॉपी करना पर सम रीज़न मेरा ही गंटन इश्यू कर रहा है एक नाट हो जाना चाहिए अब ओके okay. आज इशू करना है इसको भी खैर मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको आ, उमर सलीम हाँ बीबीसी पे सेशन अपलोड होगा केडी स्पाइक के अलावा आई थिंक हम लोग ने आपको टूल्स से बताए हैं uh, वो हीलियम 10 है आई थिंक uh, जिसमें आप कीवर्ड रिसर्च आप कीवर्ड सर्च की बात कर रहे हैं अभी केडी स्पाइक के अलावा हम लोग ने आपको पब्लिशर रॉकेट और हीलियम uh, 10 ही यूज करने के लिए बोला है और आई थिंक वो स्लाइड्स के अंदर भी हैं अवेलेबल सारे टूल्स प्रोडक्ट अगर वो वहाँ से नहीं खुल रहा तो मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ सर्वर रिवर सेशन आप लोगों को आई थिंक ये हीलियम टन का इशू चल रहा है कोई इंटरनल सर्वर चलें आई थिंक ये हम आई थिंक वीडियोस में वीबीसी पे भी अपलोड करेंगे कि हीलियम टन पे अगर किसको नहीं पता मोस्ट लाइकली सबको यहाँ पे पता ही होगा लेकिन uh, ये अभी नहीं चल रहा तो मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता

आपने उसके साथ सब निशेज का एक आ, कीवर्ड लिखा और आपने गूगल पे सर्च किया हमने योगा की सब निशेज सर्च किया इसमें जो टॉप तीन या दो जो भी आ रहे हैं आपने लिंक वो खोली और उसके अंदर चेक करा कि क्या सब निशेज हैं योगा की एक्चुअल में होती है और फिर आप वो सब निशेज जाके जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से कौन कौन सी उठाई थी एक मिनट लेट मी जैसे योगा फॉर वेट लॉस ये एक कीवर्ड हमारे पास यहाँ पर है अवेलेबल ये रहा और यह हम यहाँ पर भी सर्च करके देखेंगे तो इसमें ऑलमोस्ट एट थाउजेंड थाउजेंडल्स आ रहे हैं आपके पास अः और इसके अंदर आप फिर देख भी सकते हैं कि ये इस कीवर्ड के साथ रिलेटेड बुक्स आ भी रही है कि नहीं आ रही है तो योगा फॉर वेट लॉस है की वर्ड और इसके ऊपर बुक्स भी है और आई थिंक ये थोड़ी कंपेटिटिव ही है क्योंकि एट थाउजेंड रिजल्ट हैं तो बेसिकली यही पाँच चीज़ें मुझे आज एक्सप्लेन करनी थी आई थिंक इसके बाद असद आपको बताएगा कि के डी पी का डैश के डी पी के बारे में बताएगा कि के डी पी से आई थिंक मैंने सवाल भी देखा था आप लोगों का किसी का के कि जो बोला था कि आई थिंक मुझे नाम याद नहीं आ रहा सॉरी लेकिन किसी का क्वेश्चन था कि स्टार्टिंग uh, से हो तो थोड़ा सा आप डैशबोर्ड वगैरह भी देख लेंगे uh, असद आप लोगों को एक्सप्लेन करेगा कि किस तरह से केडीपी uh, आप यूज़ कर सकते हैं तो आई हैंड ओवर टू असद नाउ स्वागतम आवाज़ आ रही नहीं सबको हाँ अच्छा तो आ, हम लोग आ, इस सेशन में जहाँ पे ताने ये यह छोड़ा है आ, हम अब बात करेंगे के डी पी सेलेक्ट की मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ के डी पी सेलेक्ट की मैं स्क्रीन शेयर करने से पहले बता दूँ कि के डी पी सेलेक्ट जो है वो जब आप अपनी बुक लॉन्च कर लेते हैं तो उसके बाद ई बुक की जो एक्सक्लूसिव राइट्स होती हैं आप वो अमेजोन को दे सकते हैं अपनी उससे ये होता है कि आपको एक काफ़ी सारे प्रमोशन टूल्स मिलते हैं जो कि मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे आप अपनी बुक को एक्सक्लूसिवली ई बुक को अपनी अमेजोन पे कैंडल पे सेल कर सकते हैं तो वो के डी पी स्लेक्ट के अंदर अगर जैसे तो मैं बताऊंगा आपकी दो मार्केट्स यूएस और यूके हों तो आपको के डी पी स्लेक्ट में लाजमी जाना होता है उसका कोई मतलब अगर आप नहीं जाएंगे तो आपका ये आपका ही एक लॉस होगा तो के डी पी स्लेक्ट में जब हम जाते हैं तो आप आ, पेपर बैग को तो नहीं पर अपनी जो ई बुक होती है डिजिटल कॉपी होती है उसके एक्सक्लूसिव राइट्स आप उनको दे सकते हैं अमेजोन को दे सकते हैं सेल करने के लिए और वो फिर आपको प्रमोशन टूल्स और स्टोर डील्स पेजेस काफी मैं अभी एक्सटेंसिव डिटेल्स में जाऊंगा वो आपको प्रोवाइड करती है तो मैं शेयर कर देता हूँ और बात करते हैं इस पे। जी एक सेकेंड जी तो के डीपी के मैं पहले आपको डैशबोर्ड दिखा देता हूँ के डीपी का डैशबोर्ड इस तरह दिखता है ये है के का डैशबोर्ड आप बुकशेल्फ शेल्फ कहने इसको डैशबोर्ड कहने जो आप कह सकते कहना चाहें इसको आँ... यहाँ पर हम लोग जब हमारी बुक लॉन्च हो जाती है हमारे जो बुक शेल्फ है यहाँ से हम KDP के डी पी सेलेक्ट के प्रोग्राम में भी इनरोल हो सकते हैं और वहीं से हम प्रोमोशन भी रन कर सकते हैं अगर आपने अपनी बुक की ई बुक के एड्स रन करने हैं तो उसके लिए भी आपको के डी पी सेलेक्ट में लाजमी आना पड़ेगा आ, उसके लिए एड चलाने के लिए अपनी बुक के यहाँ पे जैसे ये बुक है आ, इसके ये ऑलरेडी के डी पी सेलेक्ट में वैसे तो एनरोल हुई हुई है मैं दिखा देता हूँ के डी पी सेलेक्ट इनफो हम जाके यहाँ पे मोटर एडवाइज से जाएंगे तो के भी जी भी सिलेक्ट के अंदर ये ऑलरेडी बुक इनरोल्ड है और ये पॉपअप दे रहा है वो बता देता है आपको रिन्यू करने का कि अगर आपको रिन्यू करनी है तो ये और यहाँ पे इस डैशबोर्ड पे हम लोग रिपोर्ट भी देख सकते हैं अगर आप कोई करंटली प्रमोशन रन कर रहे हैं अगर आपने अपनी एनालिटिक्स देखनी है कोई आपने जो भी सेल्स वगैरह देखनी है आप यहाँ पे अपने डैश बोर्ड पर रिपोर्ट्स आके भी देख सकते हैं और कम्युनिटी पे जाके जो है वो ऑबिस वहाँ पे कम्युनिटी आ जाती है जहाँ पे आप क्वेश्चन आंसर की फोरम होता है पूरा के सिलेक्ट के अंदर जैसे मैंने बताया कि आप अपनी एक्सक्लूसिवली ई बुक की राइट अमेजोन को दे देते हैं तो जब आप देते हैं ये तो उसके बाद आप 90 डे के प्रोग्राम में इनरोल हो जाते हैं के डी पी के जो कि ऑब्वियसली रिन्यूएबल है uh, उस आप रिन्यूएबल रखेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है uh, वरना अमेजोन जो है वो अगर आपके फोर्टीन डेज रह गए हैं नाइन्टी डे के प्रोग्राम में और आपने उसको रिन्यू नहीं करवाया हुआ ऑटो रिन्यू पे तो कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर अमेजोन रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है जैसे आप काउंट डाउन बील्स या प्रमोशन जो है जो कि आगे इसी के डी पी सिलेक्ट के बेनिफिट हैं आप वो रन नहीं कर सकते अगर आपने अपना नाइन्टी डे प्रोग्राम को ऑटो रिन्यू पे नहीं रखा हुआ अनलिमिटेड um, जो है वो एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो कि के डी पी सिलेक्ट के प्रोग्राम में ऑथर्स को मिलता है अगर वो एनरोल होते हैं के डी पी स्लेक्ट का सबसे बड़ा ही फैक्टर ये कहेंगे हायर रॉयल्टीज के ऊपर भी हम आगे चल के बात करेंगे बट के डी पी कि अनलिमिटेड जो है वो एक तरीके से नेटफ्लिक्स के लाता है के डी पी का क्योंकि जो रीडर्स हैं जो यूजर्स हैं वो नाइन नाइनटी नाइन डॉलर पर मंथ दे सकते हैं और उससे फिर वो अपनी uh, जितनी भी बुक्स पढ़ना चाहें अनलिमिटेड बुक्स पढ़ सकते हैं कि अपने उस किंडल अनलिमिटेड पे तो अगर आप के डी पी स्लेक्ट पे आते हैं अपनी ई बुक आपकी ई बुक ऑटोमेटिकली चली जाती है तो अब हम बात ही करेंगे कि आपको जाना चाहिए या नहीं चाहिए के डी पी सेलेक्ट के अंदर तो जैसे मैंने बताया कि अगर आप यूएस और यूके में जा रहे हैं जहाँ पे एटी परसेंट मार्केट शेयर ऑलरेडी अमेजोन का है तो अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो आपको के डी पी में लाजमी आना पड़ेगा उसका ऑब्वियसली नो डाउट ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि आप क्यों आना चाहेंगे क्योंकि ये ऑब्वियसली किंग ऑफ ई बुक कहलाता है अगर आपको फिर भी अगर आपको एक वाइडर प्रेजेंस चाहिए जो कि आप चाहते हैं कि आपकी बुक सिर्फ यूएस और यूके में नहीं और भी जगह जानी जाए तो आप चूज कर सकते हैं कि ना आप जाए के डी पी सेलेक्ट में ऑब्वियसली बट मेन फोकस मेरे ख्याल से मोस्टली पीपल यहाँ पे लोगों का यूएस और यूके पे ही होगा तो मैं तो यही प्रेफर करूंगा कि अगर आप यूएस और यूके में हैं तो आप के डी पी सेलेक्ट में लाजमी एनरोल करें क्योंकि तो बहुत ज्यादा इंसेंटिव है रॉयल्टीज की भी फ्रीडम है तो जो कि हम आगे और इसको डिटेल में बात करेंगे कि रॉयल्टीज कौन सी कंट्रीज में एक्सक्लूसिवली आप ऑन कर सकते हैं ये <coughs> भी सिलेक्ट किए जो मैंने किंडल uh, लिमिटेड का मैंने आपको बता दिया डिटेल में ऑलरेडी कि क्या है किंडल काउंटडाउन डील्स किंडल फ्री प्रमोशंस ओनर्स लर्निंग लाइब्रेरी ये uh, जो बाकी के चार हैं ये भी किंडल सिलेक्ट के ही बेनिफिट्स आते हैं जैसे मैंने शुरू में बताया कि बहुत ज्यादा ही मतलब बेनिफिट uh, uh, देता है अमेजोन आपकी ई बुक के लिए अगर आप इनके प्रुण... मैं मेन रोल होते हैं तो किंडल काउंटडाउन डील्स और फ्री प्रमोशनस जो है वो मैं डैशबोर्ड से दिखा देता हूं वो दोनों में से आप कोई एक रन कर सकते हैं आप दोनों किंडल काउंटडाउन डील्स या फ्री प्रमोशन 90 डेज के अंदर आप इन दोनों में से कोई एक रन कर सकते हैं तो वो आप यहां से मैं दिखा देता हूं कौन सा रन होता है <coughs> यहाँ पे ये किंडल काउंटाउन डील फ्री बुक प्रमोशन लिखा हुआ है ये दोनों दोनों में में से कोई एक आप 90 डेज रन कर सकते हैं uh, Kindle Countdown Deals और Kindle Free Book Promotion. इन दोनों पे जब आपकी बुक जाएगी तो आपकी बुक uh, के अमेजोन का एक अपना पेज होता है स्टोर डील्स का वो ऑब्वियसली लोग सर्च करते रहते हैं कि किंडल की अभी क्या डील चल रही है कौन सी जो करंटली डील्स है तो उस पेज पे भी आपकी बुक जो है ई e बुक आपकी हाईलाइट होगी तो अगर समझे हमने किंडल काउंटाउन डील चलानी है तो Uh, मेरे ख्याल से ये बुक एलिजिबल नहीं है इस पर हम ऑलरेडी रन कर चुके हैं तो शायद uh, ये वो नहीं है जी आप कर सकते हैं इसमें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये uh, आप प्रमोशन लगा सकते हैं सात दिन की अच्छा डील सात दिन की लगती है जिसपे आप अपनी बुक को 299 से uh, भी नीचे रख सकते हैं और फिर भी आप 70 परसेंट रॉयल्टी अर्न करेंगे जब आपकी बुक इस काउंट डील के अंदर होगी वैसे अगर आप 299 से नीचे रखेंगे तो आप 70 परसेंट रॉयल्टी के उससे गिर जाते हैं आपको 70 परसेंट रॉयल्टी नहीं मिलती बट um, अगर आप डील्स में होंगे और आपने ये प्रमोशन की भी है सात दिन के लिए तो आप uh, फिर भी सेवेंटी परसेंट रोयल्टी अर्न करना जो है आप कंटिन्यू मतलब रखेंगे अपना और फ्री बुक प्रमोशन भी uh, यहाँ पे से लॉन्च कर सकते हैं अच्छा फ्री बुक प्रमोशन का मैं बता दूं कि फ्री बुक प्रमोशन आप चाहें तो पांच दिन लगातार चला सकते हैं या फिर आप इंडिविजुअली नाइन्टी डेज के बीच में आप तो एक दिन चलाना चाहें उसके बाद फिर आप नाइन्टी डेज में अपने फाइव डेज रिडीम कर सकते हैं जब आप चलाना चाहें उसको फ्री बुक को बट आम... मैं बोलूंगा कि आप पाँच दिन जो है वो एक साथ ही चलाएं और उसके बाद वो मार्केटिंग पे हम लोग आगे चलेंगे मार्केटिंग जो है वो आप अपनी बुकिंग जिस तरह करते हैं जिस तरह करना चाहें मार्केटिंग को तो आप अपनी फ्री बुक प्रमोशन को बहुत ज्यादा मार्केट कर सकते हैं कि आप ने ये बुक प्रमोशन लगाई भी है फेसबुक ग्रुप्स में मार्केट कर सकते हैं आप जिस तरह की आप मार्केटिंग अपनी प्रमोशन करना चाहें आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे हैं आप जिस तरह भी अपनी बुक प्रमोट कर रहे हैं तो फ्री प्रमोशन से आप जब फ्री प्रमोशन चलाने लगे तो उससे सात दिन पहले आप जिसको भी आपने जिस थ्रू भी जिसके थ्रू भी आपने अपनी बुक प्रमोट करनी है तो आपने उनको सात दिन पहले ये एक तरीके ये आप माइंड में रख लीजिएगा कि आपने सात दिन पहले उनको कॉन्टेक्ट करना है आपने जब अपनी बुक को प्रमोशन में लगाना है चाहे वो काउंट डील हो या फिर वो चाहे, चाहे फ्री बुक प्रमोशन हो आपने उसको सात दिन पहले कांटेक्ट करना है अपनी जिससे भी जिसके थ्रू भी आप अपनी बुक प्रमोट करवा रहे हैं ताकि क्योंकि ये टाइम लगता है आप ये ना हो कि आप वो आपको देर से जवाब दे और आप जो है वो बुक की प्रमोशन लगा के बैठे हैं तो उससे जो है वो फिर ऑब्वियसली आपके डेज भी मिस हो जाएंगे अच्छा किंडल अनलिमिटेड के पे जब आपकी बुक आती है तो आप पे किस तरह होते हैं ये आ, मैं बता दूं एमेजन के डी पी का हर मंथ जो है एक नया फंड निकलता है जो कि ये अभी अक्टूबर 22 का 2020 का लास्ट जो है वो फंड नज़र आ रहे हैं यहाँ पे नवंबर के एंड पे ये नवंबर का भी बताएंगे कितना है

या फिर 0.005 इनके बीच में शफल करती है तो इसके हिसाब से ये पर पेज आपको मतलब देते हैं कि आपकी रॉयल्टी तो अगर आपकी बुक पर पेज जो पढ़े तो आपको 0.04 अगर एग्जांपल है इनकी इस महीने तो आपको उसके हिसाब से आपकी जो है वो आपको रॉयल्टी मिलेगी जितनी आपकी बुक के पेजेस पढ़े गए <clears throat> अच्छा ये तो Kindle Countdown Deals और प्रमोशन हो गया 1 सेकंड Kindle जो uh, है वो उसके ऊपर मैं आपको एक आखिरी चीज ये बताता चलूं हूँ कि यहाँ पे अः uh, नहीं सॉरी जी किंडर अनलिमिटेड पे uh, दो नीचे जो कि मैंने uh, नोट करी थी एक थी हॉरर और एक थी uh, मिस्ट्री थ्रिलर आप कह लें उसको तो ये दो नीचे में अगर आपकी बुक है जो कि ये फैंटेसी में ही आती है तो अगर आपकी ये बुक uh, इन नीचे के अंदर है तो किंडन अनलिमिटेड में ये दोनों टॉप हैं तो अगर आप किंडल किंडलिटेड में आते हैं तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपकी बुक जो है वो इसके अंदर किंडल uh, में रैंक हो जाएगी जब आप जो है वो किंडल अनलिमिटेड <coughs> uh, पे होंगे आपकी वो थ, थ्रिलर और uh, हॉरर की या होगी तो आपकी बुक जो है वो किंडल लिमिटेड पे भी मोस्ट प्रोबेबली uh, जो है अच्छी जगह रैंक होगी क्योंकि यहाँ पे किंडल लिमिटेड पे वही सबसे ज्यादा पॉपुलर चलती है दोनों नीचे में थ्रिलर और हिस्ट्री ये जैसे मैंने बताया कि ऑलरेडी किन्न काउंटडाउन डील्स और किन्न फ्री प्रमोशन के बारे में वीक एवरी डेज और सॉरी रॉयल्टी आप जो है वो अर्न कर सकते हैं इवन दो आपकी प्राइस जो है वो टू नाइनटी नाइन से नीचे हो अच्छा इसमें ये चीज़ uh, माइंड में रखिएगा कि आपकी uh, Kindle, ऐसा नहीं हो कि आपने नाइनटी डेज की आपने स्टार्ट करी और आप उसी हफ्ते चलाने लगे आपको एटलीस्ट एक महीना आपको हो, जा, हो जाना चाहिए आपको इस प्रोग्राम में तो जाके आप जो है इस कोई प्रमोशन रन कर सकते हैं चाहे वो किंडल काउंटडाउन डील हो या फ्री बुक प्रमोशन हो और ऑब्वियसली जैसे चौदह दिन रह गए आपकी उसमें किंडल के प्रोग्राम में खत्म होने से पहले और आपने ऑटो रिन्यू पे नहीं रखा हुआ इसको तो भी आप जो है उसको नहीं चला सकते क्योंकि ऑटो रिन्यू पे अगर आपने रखा होता तो फिर आप चला सकते हैं नहीं तो आप उसको किंडल सेलेक्ट के अंदर आपने हटाया हुआ है कि मैं ऑटो रिन्यू नहीं कर रहा तो और फोर्टीन डेज रह गए आपके प्रोग्राम में और आपने कोई भी प्रमोशन नहीं चलाई हुई पिछले दो महीनों में या ढाई महीनों में तो आप फिर भी नहीं चला सकते क्योंकि आपने ऑटो रिन्यू पे जो है वो नहीं रखा हुआ प्रोग्राम अच्छा लाइब्रेरी और किंडल्स uh, की इंक्रीज रॉयल्टी इन दोनों को मैं uh, साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ ये क्या है कि अमेजोन प्राइम का ऑब्वियसली सबको पता है अमेजोन प्राइम जो है वो भी अः uh, के साथ एक तरह से लिंक होता है और वो इस तरह लिंक होता है कि वो किंडल अनलिमिटेड और किंडल ओनर्स लैंडिंग लाइब्रेरी का एक ही सेम ही क्राइटेरिया आप समझ लें उसका ये क्राइटेरिया है कि बस जो है वो ऑब्वियसली एक नेटफ्लिक्स कह लें आप उसको uh, अपनी बुक्स के लिए और किंडल ओनर लैंडिंग लाइब्रेरी जो है वो उनके लिए है जिनके पास अमेजॉन प्राइम है तो उससे क्या होगा कि आप अपनी बुक को uh, आपकी कोई भी मतलब जो आपने बुक लॉन्च की हुई है रीडर्स जो हैं वो आपकी बुक को रेंट कर सकते हैं फ्री फॉर मंथ और उस पर कोई रिटर्न फीस नहीं होगी कोई उनको ड्यूडेट नहीं होगी और उस पर उसकी जो रॉयल्टी है वो सेम एक्जैक्टली किंडल अनलिमिटेड की तरह होगी आपको पर पे रॉयल्टी देंगे और जैसे मैंने बताया ग्लोबल फंड के ऊपर तो डिपेंड करता है कि उन्होंने इस महीने कितनी रखी हुई है पर पेज रॉयल्टी जीरो है या फाइव है तो उसके हिसाब से होगी <coughs> अच्छा ये मैं एक आखिरी चीज ये KDP की बता चलूं के डी पी सेलेक्ट की बता चला के डी पी सेलेक्ट जो है के डी के अंदर सेवेंटी परसेंट रॉयल्टी इन सिलेक्टेड कंट्रीज इन सिलेक्टेड कंट्रीज में ये जो चार कंट्रीज हैं इनका मतलब यूएस और यूके तो हमारी मेन मार्केट है अगर इन किंडल अनलिमिटेड या कहीं पर भी आपकी बुक जो है वो आपने वो की हुई है फ्री प्रमोशन जो आपने लगाया हुआ है तो इन चार कंट्रीज के अंदर भी अगर कोई वो बुक लेता है तो भी आपको रॉयल्टी मिलेगी आ, अगर आप KDP के डी पीट के हैं जैसे आपने आ, अपनी बुक के ऊपर कोई भी काउंटडाउन डील लगाई हुई है और वो आपकी बुक जो टू नाइनटी नाइन से नीचे है और जापान में वो बंदा कोई आपकी वो डील आ, लेता है उस बुक को तो भी आपको सेवेंटी रॉयल्टी फिर भी मिलेगी जापान ब्राजील मैक्सिको इंडिया चारों में से तो आ, ये के सिलेक्ट था मैं एक चीज और देख लेता हूं कि मैं कहीं मिस तो नहीं कर रहा ताकि उससे पहले मैं रैपअप करूँ ये <coughs> 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 नहीं आई थिंक दैट्स इट अबाउट फॉर केडीबी सिलेक्ट मेरे ख्याल हाँ से शीट uh, हमने कहा लिंक की भी है क्वेश्चन आंसर्स की ऑलरेडी हां जी पोस्ट में से देख लेते हैं हम लिंक की भी है uh, जी जी तो हां अब जी तो मोइस पर हम वो स्टार्ट करेंगे ठीक है सही हां जी क्यूए सेशन स्टार्ट करते हैं हुँ. अच्छा सी सो so, अरसलान का पहला सवाल है डू वी हैव एनी स्कोप ऑफ इंजीनियरिंग रिलेटेड बुक्स वेल इट रियली डिपेंड्स आप सर्च करो आप हंट करो आप आओ फिर मेरे पास आप मेरे साथ बैठो हम लोग बैठ के उसके ऊपर बात करते हैं देखते हैं कि इसका क्या स्कोप है क्या अर्निंग पोटेंशियल हो सकता है क्या आप अगर आप इस क्राइटेरिया से लैडर लॉन्च के लिहाज से जा रहे हो या बम्बू लॉन्च के लिहाज से जा रहे हो जो भी है वॉट एवर दैट इज क्या आप स्कोर कर सकते हो अर्निंग पोटेंशियल क्या हो सकता है एंड वेदर यू शुड गो अहेड और नॉट सही है तो अरसलान आई होप You got your question answered. Omar um, Saleem, I'm a newbie for Kindle. So here are a few questions. Total investment needed. Kindle, OK. So Omar, you can go through all the VBC old VBC sessions on Kindle to have more clarity. But inshallah, hum log apna pura ye session repeat. I mean, from very scratch, sab kuch repeat kar rahe you always um, making changes to our content, uh, better kar rahe and all. So uh, you can go through our old sessions um and you will have a more clear picture but however uh hum no basically uh, Joe Abi main strategy here jo case um bhai ne community ko bhi hai, that is through hyper and bamboo launch so if you're aware of how things are being done in uh, EC how EC is uh, getting things done for Amazon Fbapl I'm sure you already know what hyper or bamboo launch is um so uh, the minimum investment required with Hyper or Bamboo Launch is around eight thousand five hundred dollars, and goes up to a maximum threshold of around twelve thousand dollars. Okay. So I hope that was answered. Should we follow Bamboo Launch or ladder approach? I mean that is up to you. You can, but that's that's again your call. Um, you can do.

to uh, complete but yeah you can so uh, that answer, that question was also answered or should we go with one book with high investment so yeah, this is your pure preference the reason why i have uh, taught the second criteria is because uh, there were two types of people in our community one who are investment centric and which is absolutely fine there is no issue with that that is again pure preference. And then there are people who want to go with, you know, 30 30 safe investments and go and are patient enough. They say, we'll be there, inshallah, and all that. So I have a friend uh, who went through this strategy, letter launch, Valina. And he is earning right now around uh, 18 000 to $20,000 per month. And he has almost. 22 or I don't know 18 to 22 books out by now. he, he has failed also but will let a launch only. and I'm not saying then again I'm this is not this is like comparing apples with oranges the two both both of the two uh, launches launch strategies are different. so better not compare better know your own risk appetite and go with one how much profit margins can we estimate on particular investment those profit margins can easily be in, uh, estimated but depends on which level you are with ladder launch right if you're on level uh, one your past profit margins should be between 250 dollars or could be 200 dollars to all the way up maximum cash, 700 dollars 500 dollars 800 dollars in exceptions they could be 1000 dollars but i don't think more than that uh, so that was also answered. So a first question is, if you go with 10,000 above, okay, what budget are we expecting here around $8,000? If you're going above 10,000 and you're doing bamboo launch with that, then yes, I would say, I know some people, uh, in fact, uh, quite, a, quite a lot of people also um, don't even do that. They just, what they do is, okay, later launch, may they keep building up their email list they keep building up their audience and once they have their book launched in ten thousand plus category they use that they utilize that email list and then you can also do your bamboo launch so that is like uh, that would add a lot of value to it so so that's you have answered your own question eight thousand dollars would be if you go with bamboo launch at the same time if you want ready what is the success percentage you guys have the success percentage in my opinion with bamboo launch is around 50-50 uh, in my opinion okay. Uh, no we do not have a success story from students from within ec but we have um, we have uh, one of the trainers tamur bamazi he, he has his own kindle he has almost i think i'm not sure 100% but I think he has launched around 28 to 30 or 32 books by now. And he's earning around thirty to fifty thousand dollars per month on an average. Hai? Um and uh, yeah. So, so he, he, the kuch questions hain, guys, please I have all my five books on one niche. So I'll I'll come to Tosif Wari, inshallah, uh, because तोसिफ़ ने सबसे पहले हैंडल इस करा था वैसे लेकिन बिकॉज हिस क्वेश्चन इज एट लास्ट सो मै वेलकम टू यू तो इन फैक्ट आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू टूलिंग ट्रिपल के ट्रिपल डी ट्रिपल पीस दोस्ट्रीमली एक्टिव ग्रुप रीजन बींग बिकॉज कोई किसी एरिया में है अभी अटकावा बुक के कोई किसी एरिया में है Uh, we have had uh, one or two launches by now. There's another launch, which is going to happen very soon. I do, I'm not going to name any person over here. That person is probably going to launch in a week's time, maybe less. So yes, so uh, we're there. Uh, Hasan Ahmed, uh, how to get myself enrolled in your Kindle program? Okay. So how to get yourself enrolled in the Kindle program? You have to... Uh, you just have to get in touch with me, and just there would be few questions, and then that would hit, probably decide whether you're in or not. If the ten sales daily means three thousand dollars, four dollars, dollars. Okay, so Hassan, you've a question very That if the book is priced at four dollars and my revenue is twelve hundred dollars, then the first thing I'll tell you with paperback. Most cases, books are uh, priced between, around $15. There are books which are priced at $20. There are books that are priced at $32. But on an average, usually paperback books are priced around um, $15. The profit margins would obviously differ. And just so that you guys know, non fiction categories work for Kindle. फिक्शन कैटेगरीज वर्क लाइक अ मैजिक फॉर पेपर बैक ये अपने दिमाग में पहले आप लिख लें कहीं पे बिकॉज uh, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए आप लोग वेट लॉस उठा के लिख दें इन ई बुक आप लोग के पास इतने खास रिजल्ट नहीं आने वाले अगर आप वही आप एक बुक लिखेंगे उठा के पेपर बैक में गेट अगेन अगर आप सस्पेंस थ्रिलर या कोई नॉन फिक्शन बुक लिखने जा रहे हैं कोई रोमेंटिक बुक लिखने जा रहे हैं आप यू विल गेन अ लॉट ऑफ सक्सेस इन किंडल So, yeah, because Kindle is like is always on another level with non-fiction uh, I'm sorry, fiction book. I'm sorry, fiction books. So, yeah. And um cheese mapadu for Kindle lovers. E-book If you want to be successful with Kindle, it is imperative that I would suggest you to think about launching a series of books in ebook category. Why? मैं आप लोग को एक जरा अपनी स्क्रीन शेयर करके बता देता हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली exactly आदमी हो जाए एक मिनट रुकिएगा जी उसका एक बहुत बड़ा रीजन है अब मैं अभी इधर आया हूँ ठीक है ये ई बुक सेक्शन है ठीक है अब मुझे एक नॉन फिक्शन बुक नजर आ रही है ब्रेंडन सैंडसन की यहां पे मैं आप लोग को बता दू पीपल लाइक टू मतलब पीपल एक्वायर सक्सेस

बिकॉज ये एक ऑथर है जो अपनी सीरीज ऑफ बुक्स एक कंटिन्यूएशन ऑफ स्टोरी या वट एवर दैट इज जैसे हैरी पॉटर है जैसे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स है ये अपनी सीरीज ऑफ बुक्स निकाल रहा है और ये जो मैंने आपको लेडर अप आप अप्रोच बताई है ना इसमें ये बड़ी हेल्प करती है ये ग्यारह हजार रिव्यूज एंड सोचे इसकी एक्चुअल सेल्स कितनी होंगी नौ हजार रिव्यूज सात हजार रिव्यूज एंड देन यू कैन इमेजिन ये आराम से तीन चार हजार रिव्यूज तो कहीं भी नहीं जाते इसके

लेकिन जब इसने पहली बुक लॉन्च करी होगी आई एम जस्ट जनरली टॉकिंग अगर कोई और बुक भी होता है ब्रैंडन मुझे नहीं पता कितना मशहूर है क्या पता कोई पे कोई जानता हो लेकिन क्योंकि नहीं जानते मुझे आई एम पे majority लोग नहीं जानते क्योंकि मैं भी नहीं जानता तो इसने अपनी बेस बनाई है फ्रॉम ग्राउंड अप इसको कोई नहीं जानता था एंड नाउ दैट ही आपको बता दू फिफ्टी परसेंट से ज्यादा सेल्स तो इसके जो ना पुराने जो बायर्स हैं वही लेके ला के दे रहे होंगे इसको ठीक है एंड देन एक और ई e बुक के साथ जो बड़ा फायदा होता है ना आपको और बड़ा अच्छा रहता है वो मैं आपको बताता हूँ <coughs> आपने ई बुक लॉन्च करी सपोज इसकी वन रेटिंग है ई e बुक में एक बड़ी ई बुक e मैं बात कर रहा करूँ सीरीज में एक और बड़ा फायदा होता है खासतौर पर जैसे ई e बुक के सेक्शन में आप जब नीचे स्क्रॉल करते हो तो आपको उसकी बाकी सीरीज भी नजर आ रही होती है क्या आपको ये पता चल जाता है कि एक बुक आपकी जो है ना रेपुटेशन जो है वो खराब नहीं कर सकती क्यों क्योंकि आपके

ही है, है, मतलब वो आपका पहली बुक लेता है और वो अच्छी लगती है उसको सही है <coughs> या उसने आपके बुक के बारे में सुना हुआ है सीरीज के साथ फायदा ये होता है कि वो काफी सारे लोग आपकी एक साथ ही जो है ना वो सारी बुक्स एक साथ खरीद लेते हैं कंप्लीट सीरीज इसमें आपकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो है वो काफी बढ़ जाती है ठीक है तो इसके साथ एक ये ई बुक्स के साथ एक ये बड़ा अच्छा सीन है जो काफी लोगों को नहीं पता मतलब मैं आपको बता रहा हूँ लेकिन ये एक बड़ी एक वैल्यू एडिशन चीज होती है जो कि आपको यहाँ पे uh, देती है इन ई बुक्स ठीक है सो या सो नेक्स्ट पे आते हैं ये शीट ना आप लोग मुझसे खुद बात कीजिएगा विद ताहा एंड असद आप लोग बीसी uh, स्टूडेंट्स जो हैं वो ताहा असद को रीच आउट करें ऑन फेसबुक मैसेंजर reach them out, tell them if you have a, a, a product or a niche or category to get approved by us. If you want me to have a, have it a look, if you want them to have, uh, go through it, um, just reach them out, tell them that we have plan, we se discuss karna hai, and we also want movies on board. Theke? And get a meeting scheduled or whatever that is. Theke? Um That, that should help.

नो कंटेंट लो कंटेंट बुक्स जो ना हो है ना अपलोड हो रही होती है और एक दिन में सौ भी हो जाती है के मेरी, मैंने एक के दो सौ बुक्स अपलोड कर दी थी मेरे पास एक भी सेल नहीं आई तो ये तरीका गलत होता है इसके ऊपर ना फिर वही बात है कि आप रिसर्च करके लाओ इसके ऊपर बैठ के बात की जा सकती है <coughs> वैसे क्वेश्चन ऐसा में नहीं हुआ हाउ डू वी गेट दुकस ये तो मैंने आपको बता दे रहा है मैंने लिस्ट भी शेयर करी हुई अपने पुराने कॉन्टेंट के ऊपर जाहद वैन कैन बी एक्सपेक्ट द लेक्चर्स टू बी अपलोडेड अच्छा वेरी गुड पॉइंट नो कि पुराने लेक्चर्स अपलोड नहीं हुए मैं जरा uh, बोलता हूँ मैनेजमेंट uh, को कि प्लीज अपलोड कर दें ठीक है द बजट That is for paperback, $8,500 to $12,000 uh, is for paperback. <clears throat> is it more profitable or ebook? You mean, is paperback more profitable or ebook? Both are profitable. I have told you, non-fiction is known uh, category for paperback. Fiction is known category for Kindle ebooks. You uh, uh, haven't answered the question that the 300 300 sales, sales, then revenue will be ये सॉरी मैं आपको ये मैं आपको वो करना भूल गया बेहतर है कि आप मेरी ही स्लाइड्स जो मैंने करी हुई ना शेयर आप वो देख लें उसमें रॉयल्टीज वगैरह सारी चीजें डाली हुई हैं कि आपको किस हिसाब से मिल रहा होगा क्या मिल रहा होगा इस वजह से सॉरी मैं बताना भूल गया था बिल्कुल एट द टॉप ऑफ माई हेड बेहतर है कि आप मेरी स्लाइड्स के थ्रू चले जाए थोड़ी ही स्लाइड्स ऊपर जाएंगे ना आज का जहाँ पे मैंने सेशन दिया तो आपको रॉयल्टीज नजर आ जाएंगी तो आपको पता चल जाएगा एक्जैक्टली रॉयल्टीज कैलकुलेट कैसे करनी है अमेजोन का अपना रॉयल्टी कैलकुलेटर भी आता है अगर आप सर्च करें गूगल पे ना डाउनलोड अमेजोन

कि आप लोग आराम से इस सेशन को पॉज करके यू गाइस कैन टेक आउट द होल थिंग बट दिस इज एंड वी ट्रस्ट मी टेक माय वर्ड ऑन इट वी आर नॉट डूइंग इट बट वी वांट टू ट्रेन स्टूडेंट्स फ्रॉम विद इन ई टू हंट की फॉर इन्वेस्टर्स और फॉर पीपल हु वॉन्ट टू लॉन्च दर बुक्स तो इज आई नॉट शेयर द शीट आई एम सॉरी बट यू कैन स्टिल गो थ्रू द होल सेशन एंड सी के हम लोग ने क्या काम करा हुआ है Uh, एक मिनट ओके, okay. एक मिनट गाइस ये वकार मैंने आपका इसका जवाब दे दिया है इस दिन अप्रोच ज मैंने आपको बता दिया अ लैंडिंग पेज फॉर योर ओर पी एल प्रोडक्ट यू कैन रीच मी आउट गेट इन टच विद एंड असद सही एंड इन वी विल सॉट थिंग्स आउट फॉर यू हाउ टू गेट एंड्रोल इन यू बुक Uh, मैं इसका एक्चुअली पहले जवाब दे चुका हूँ तो आई होप ये पुराना क्वेश्चन लिखा हुआ तो आई थिंक इट ऑलरेडी गॉट आंसर्ड असन अ बुक इसका भी जवाब दे दिया पार्टनर्स का तो मुझे नहीं पता लेकिन घोस्ट राइटर आपको मिल सकता है और उसकी मैंने लिस्ट शेयर करी भी अपने पुराने बीबीसी में और स्लाइड्स में भी पूरे लिंक्स शेयर करे में मैंने बताया था व्हाट प्रॉफिट कैन बी एक्सपेक्ट फ्रॉम वन बुक ये भी मैं बता चुका हूँ इट डिपेंड्स बट मैं आपको एक एवरेज बिल्कुल फ्रॉ द टॉप ऑफ माई हेड मैं आपको एस्टिमेशन देता हूँ टू टू हंड्रेड टू हंड्रेड टू फिफ्टी डॉलर से लेकर एट हंड्रेड नाइन हंड्रेड डॉलर्स तक सेवन हंड्रेड डॉलर्स तक एंड स्टार्टिंग स्टेज की बात करूँ वन पेरी वेरी इंटरेस्टेड तो वट इज द फ्यूचर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज फ्यूचर ऑफ शार्ट स्टोरीज Uh, well short stories are still working but um, future of short stories i really can't say but i know that people are still into short stories and they're still into it but there's a lot of competition as well at the same time तो शॉर्ट स्टोरीज में हम बिल्कुल जा सकते हैं बस वही वाली बात है कि थोड़ी सी रिसर्च हमारे पास होना जैसे मैंने ये शीट दिखाई प्रॉपर रिसर्च की इस तरह की शीट अगर हम बना लें और फिर हम बैठ के डिस्कशन कर लेना तो हमारे लिए आसान हो जाएगा थोड़ा एवेलुएट करना कि हमें किस तरह क्या स्टेप्स लेने चाहिए इसमें जाने के लिए स्टडी ऑफ तैमूर भाई तो, तो मुझे आई नो ओनली बिट्स एंड पीसेस और जो सक्सेस स्टोरी ऑफ तैमूर भाई है ना वो बेहतर है कि तैमूर भाई की जबानी ही हम सब सुने तैमूर भाई एक्चुअली है ना कुछ अरसने में आई थिंक आई थिंक कराची आने वाले ठीक है तो जब वो कराची आते हैं तो आप भी मैं भी बैठ जाते साथ में और उनकी जबानी सुन लेते हैं और वो जो आपको uh, प्रॉब्लम काफी सारे एरियाज में आपको ज्यादा बेहतर बता देंगे जितना कि शायद मैं बता पाऊँ आई विल चेक द रॉयल्टी फॉर द बुक्स बट वट आर वी गोइंग टू अर्न लाइक I I want some sort of of percentage. Like how, how much can I get out of $15 book? The royalty for the books. किसी कॉल आ रही है मेरे पास सेम क्वेश्चन आप लोग uh, डाल दो मुझे पता है होल पॉइंट ओवर हेयर इज के हेल्प योर सेल्फ आउट ये स्लाइड्स आपके लिए बनाई हुई हैं i'm not saying go through my whole session it's just one single slide so i guess that's pretty much it for today and can we just develop a sheet for keywords like we find main keywords and their competing products as we do helium ten एक मिनट आप लोग रुकेंगे ज़रा मेरे पास इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है शायद ईसी से ही है

Uh, इन शाह हम लोग मिल के ना आप लोग की कोई भी अगर आ, शीट है या किसी चीज़ को थोड़ा सा इवेलुएट uh, करना है बैठ के तो हम लोग बैठ के वो सॉर्ट आउट कर लेंगे आ, हसन नहीं बेटर है कि हम लोग जो आपको क्राइटेरिया दे रहे हैं ना का, हंट करने का थोड़ा सा आप लोग उसके साथ रहिए लास्ट एक दो सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है बीबीसी के जो आई थिंक अपलोड नहीं हुए वो अपलोड करवा दूंगा तो उनको भी आप लोग देख लीजिएगा तो आप लोग का अंदाज़ होते हैं कि हम लोग किस तरह जो है ना टू ले रहे हैं मतलब शीट्स हम लोग किस तरह ऑनबोर्ड ले रहे हैं ठीक है चले ओके अब okay. सो मैं आपको बता दूं कि इंदमा मी असद एंड Taha, we four are going to uh, basically get team Mazid. हम लोग ने और लोगों से इसलिए populate करी है because uh, we wanted to entertain each and every query from the community. कोई भी issues, कोई भी product approvals वगैरह वगैरह वगैरह. So just reach us out, reach us out in that regards. ठीक है? चलें okay. Take care. Allah Hafiz guys. ना ख्याल रखिएगा आप लोग